प्रिय दर्शकों, ओम शांति, नमस्कार। हमारे साथ आज पुणे की मशहूर ब्रह्म कुमारी सुषमा जी। ओम शांति। हम आप से जानना चाहते हैं, आपका थोड़ा सा हमको परिचय दीजिए कि आप कितने सालों से ज्ञान में चल रही हैं और आपका आज तक का अनुभव कैसे रहा है। कि आप दो मिनट में बताएंगे कि हम आपसे सवाल जवाब करेंगे। प्लीज हंसिए मत, कि कैमरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। शुभमा ने कहा है बच्चे हंसते हो, इसलिए मैं प्रोग्राम की शुरुआत हंसते हुए करना चाहती हूँ। अच्छा, दर्शकों को देखा आपने, मैंने आपको पहले बोला कि सुषमा जी को बहुत एक्सपीरियंस है ज्ञान में, इसलिए वो खुश रहती है हमेशा। अच्छा, आप हमको ये बताएंगे कि आजकल इतना लोगों में टेंशन बढ़ गया है, किसी को पढ़ाई का टेंशन है, किसी को कंपनी का टेंशन है, किसी को ट्रैवलिंग का टेंशन है, कोई गरीब में है, तो ये इतने लोग जो आज टेंशन में है, तो इस ऐसे लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेगी कि उन्होंने कैसे खुश रहना चाहिए। देखिए, जब उस चीज़ को हम टेंशन समझ के लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, जब तक हम उसको समझेंगे ये टेंशन ही खेल है, चलो ड्रामा है, प्लान है, ये पल बाद में आने वाला नहीं है, वो आएगा, वो पल चला जाएगा, उसको सफल कैसे करना है ये अपने ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप ट्रैवलिंग कर रहे, आप सोचते रहेंगे यार ट्रैफिक में फंसा हूँ, ट्रैफिक में फंसा हूँ, इससे अभी कैसे बाहर निकलूँ। अगर वही वक्त सोचेंगे कि चलो 15 मिनट ट्रैफिक है क्या, चलो मैं मुरली पढ़ लेता हूँ, तो आपको लगेगा नहीं कि 15 मिनट हो गए, आपको लगे यार और 5 मिनट हो जाए तो मैं पूरी मूवी खत्म कर लूँ, 20 मिनट लगते हैं मूवी के लिए। तब आपको पॉजिटिव ले लेंगे तो मूवी तो आपको पता है, लेकिन हमारे दर्शकों को मूवी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो तो दुनिया वाले लोग हैं, तो कोई बुक अपने पास रखे किस तरीके के बुक उन्होंने पढ़ना चाहिए, बुक तो कई समय टाइप के आते हैं आजकल, जिससे हमको फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल, अपने को भगवान ने बुद्धि दी है, ये पता चलता है कि कौन सा बुक मुझे लाइफ में पढ़ने से फायदा होगा, पॉजिटिव वाला एजुकेशन है, जिससे मैं कुछ भी एजुकेशन का बुक पढ़ना चाहिए, जो अपने को पढ़ो, किसी के अनुभव पढ़ो, सुनो, पॉजिटिव थॉट्स की बुक पढ़ो। लाइक मार्केट में इतने अच्छे अच्छे बुक्स है कि आप अगर 10 दिन में एक एक बुक पढ़ेंगे ना तो भी 1-2 साल में ख़त्म नहीं होगी, आपका टाइम भी बीत जाएगा और आपको बहुत सारे अनुभव भी आएंगे, बेस्ट फ्रेंड बुक्स है। हमारे दर्शकों की तरफ से कुछ पत्र हमें आए हैं, तो उसमें उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं, तो हम आपसे ये सवाल पूछेंगे तो आप उनको उत्तर देंगे। तो ये पहला सवाल है, ये भटिंडा से शीतल कुमार शिंदे, इन्होंने ये सवाल भेजा हुआ है, तो इनका ये तो 12 साल के है और इनका कहना ये है कि इनके माता पिता जो है वो इनकी बात बिल्कुल मानते नहीं हैं और इनको हमेशा, इनकी मम्मी बहुत मारते रहती है और हमेशा उनके पेरेंट्स उनके पीछे लगे रहते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, और उनको खेलने देते नहीं हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है उनकी लाइफ में वो क्या करे। मतलब होशियार तो है वो पढ़ाई में वैसा है, उनको अच्छे मार्क भी आते हैं, लेकिन माता पिता का उनको बहुत टेंशन है, तो आप इसके बारे में उनको क्या सोल्यूशन देना चाहेंगे। सिंपल सी बात है, आप मम्मी से बात करके प्यार से बात कीजिए, मम्मी देखो मैं मेरे स्कूल में इतना पढ़ाते हैं और मैं आप टाइम फिक्स कर लीजिए, टाइम टेबल, लाइफ में टाइम टेबल करना बहुत जरूरी है कि मम्मी स्कूल से आने के बाद मैं अपना इतना होमवर्क पूरा कर लूँगा, उसके बाद पूरा होमवर्क होने के बाद जो टाइम मिलेगा वो मेरा रहेगा। इससे क्या हो जाएगा, मम्मी भी खुश रहेगी, बच्चा भी खुश रहेगा, क्योंकि अगर मम्मी ने बोला कि तुझे पूरा, मम्मी डांटती क्यों है क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता, अगर वो खेलने जाने के पहले पूरा पढ़ाई कर ले तो अगर वो 5 घंटा सोच के पढ़ाई कर रहे, मुझे मम्मी खेलने नहीं दे रही, मुझे मम्मी खेलने दे रही, उसके वो जो 2 घंटे की पढ़ाई उसको 5 घंटा लगाएगा और पढ़ाई भी नहीं हो पाएगी क्योंकि उसका मन खेलने में लगा रहेगा। बेस्ट वे है अगर उसकी मम्मी उसको बोले या वो अपने मम्मी को बोले, मम्मी मैं अपनी पढ़ाई जल्दी से पूरा कर लेता हूँ, वो पूरा दिल लगा के अगर पढ़ेगा ना उसकी पढ़ाई 2 घंटे के 1 घंटे में या 2 घंटे में 5 घंटे की कवर कर लेगा, फिर
मम्मी भी खुश हो जाए कि मेरे बेटे के तो पूरे पढ़ाई हो गए, जो भी होमवर्क है ये है वो है पूरा कर लिया, वो फ्री हो जाएगा तो उसके बाद 2 घंटे पढ़ने के लिए खेलने के लिए रहेंगे, वो बाकी का समय खेलने के लिए बिता सकता है। सुषमा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत सही जवाब दिया है। दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, हम अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे कल, तब तक के लिए ओम शांति।